जी क्लास तैयार है जी। क्लास तैयार है जी। कौन सी दवा पढ़ रहे थे हम? एंटीमोनियम और एंटीमोनियम टार्ट भी आपने बताई थी। हाँ, और एपिस एपिस पहले एपिस आई थी या पहले पहले एपिस तो बाद में आनी चाहिए। एनओपी लेकिन जो बाद में आती है वैसे पढ़ा जी। लास्ट पढ़ा रहे थे जो जो एपिस पढ़ा रहे थे एंटम कार्ड उससे पहले पढ़ाई थी। ठीक है जो ठीक आ रहे हैं। एन के बाद पी आता है जी। एन के बाद ही पी आता है जी। एम एन ओ पी एपिस बाद में आई होगी ना जी। यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक आ रही है। एपिस आखिर पे थी जी। ये कहते हैं नहीं एपिस पहले पढ़ाई थी। नहीं जरूर एपिस तो पहले पढ़ाई थी आपने। यही तो फर्क में है। मैं आप और बात कह रहे हैं ये और कह रही हैं जरूर इसलिए ले रहा हूँ जो नोट्स जी। हाँ वो उसमें वो एपिस बाद में आई है ना जी। ठीक है ठीक है। एंटीमोनियम क्रूड है फिर एंटीमोनियम टार्ट है और फिर एपिस मेलिफिका है। बिल्कुल ठीक करेक्ट। एंटीमोनियम क्रूड में मैंने वो इलामत बताई थी ना मोके कटे फटे से पाँव के ऊपर और हाथ पे कैंसरस लुक भी होती है। ये बहुत नुमाया है इसमें। और एंटीमोनियम टार्ट में भी कुछ ये इलामत पाई जाती है। अक्सर इलामतें जो क्रूड की हैं वो एंटीमोनियम टार्ट में भी किसी हद तक मौजूद हैं। वो इतनी ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं है। और ये असूल याद रखें कि जो बेस है दवा का जिस एलिमेंट से भी दवा बनी हुई है यानी कंपाउंड बन गया है जैसे एल्यूमिनम है ये एक मेटल है। इससे आगे जितने कंपाउंड बनते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ और लगता चला जाता है जैसे एल्यूमिन बनाई है फटकरी। तो असल जो बुनियादी एलिमेंट है मेटल हो या जो भी हो उसका कोई ना कोई असर कंपाउंड्स में मौजूद रहता है। इसलिए उसकी अलामतें उसके पर्दे में से ज़रूर दिखाई देती हैं और ये ग्रुप होता है अमूमन। तो इससे भी आपको बाज़ मर्ज़ों की पहचान में आसानी होगी अगर एक ख़ास अलामतों का ग्रुप पाया जाए जो एल्यूमिनियम बेस से ताल्लुक़ रखता है तो फिर उसके अंदर दवाई तलाश की जाए। एंटीमोनियम का भी एक ग्रुप है उसमें और भी कई कंपाउंड्स हैं। तो एंटीमनी की जो बुनियादी सिफात हैं वो उसमें पाई जाती हैं। एंटीमनी में एक तो मैदे की खराबी का ताल्लुक है और मतली पाई जाती है और लंग्स के ऊपर असर। दूसरे नाखूनों वगैरह के ऊपर नाक के किनारों पर अमूमन नाक के किनारे छिल जाते हैं ये जो है ना ये हिस्से और होंठ के किनारे छिल जाते हैं ये भी एंटीमनी की खास अलामत है। तो खुश्क एक्जीमा इस टाइप का जिसमें वो फट जाती हैं जगह जगह से वो एंटीमोनियम के अंदर आ जाती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इनका कम्बिनेशन और पहचान है वो उस पर नज़र रखनी चाहिए। बास सूरतों में गर्मी से एग्रेवेशन होती है और एंटीमोनियम क्रूड अक्सर गर्मी से ही एग्रेवेशन होती है मगर इंसान ठंडे कमरे में सोना पसंद करता है और गर्म अगर रेडिएशन की हवा हो तो वो उसको तकलीफ़ देती है और रेडिएशन एपिस को भी तकलीफ़ देती है लेकिन एपिस की बाकी अलामतें इनसे नहीं मिलती। एंटीमोनियम क्रूड में एक और बात है जो बहुत कम दवाओं में मिलती है कि स्टूल्स नॉर्मल हों लेकिन खून फिर भी आए। पेचिश में जो खूनी पेचिश है उसमें आमतौर पर स्टूल्स के साथ खून मिला हुआ आता है ये तो एक मारूफ मालूम बात है। लेकिन जो अजनबी बात है वो ये है कि एंटीमोनियम क्रूड में बंधा हुआ हो स्टूल और उसमें भी साथ लिपटा हुआ खून होता है।
और ये उन दवाओं से तरल रखने वाली चीज है जिनमें वो अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन्स में नक्स पैदा हो जाए, लेकिन इसमें सुर्ख नॉर्मल खून है जो हद से ज़्यादा बड़ी ही खौफनाक शक्लें हैं जिनमें गहरे मर्ज और यूँ मालूम होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन का निज़ाम का ब्रेकडाउन हो गया, उनमें स्याह खून आता है अक्सर, वीनस ब्लड, और वो इन दोनों के अंदर तफरीक पैदा करता है। एपिस में भी बाज़ दफ़ा खून आता है इसलिए कि वो अंतरियों में सोजिश पैदा हो जाती है। एपिस की खास पहचान क्या बताई थी मैंने, आप बताएं लेडी साइड से क्या क्या बातें हैं एपिस में जी? नहीं वो तो मुझे पता है, आपको भी पता, सबको पता है, खास इलामत पूछ रहा हूँ। और दशनज तो बेशुमार दवाओं में है, लेकिन इसकी खास इलामत क्या थी जो कम्बिनेशन हो जिससे आपको फौरन पता लगे कि ये शहद की मक्खी है या उसके मिलता जुलता जहर है? फुलफुली वर्में, बहुत ज्यादा सख्त वर्में नहीं बल्कि फुलफुली वर्में, और गुर्दे से इसका ताल्लुक है इसलिए आंख के नीचे निचले छप्पर में वर्म और लटक जाए वो भी एपिस से ताल्लुक रखता है। बाद डॉक्टर कहते हैं डंगदार दर्दें भी, वो मेरे ख्याल उन्होंने एपिस के शहद से अंदाज़ा लगाया है, मगर इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि डंगदार दर्द हो, लेकिन एक पहलू से शायद डंगदार दर्दों की तरफ इशारा मिलता हो कि जो बच्चा सोते में चीख मारता है वो अचानक मारता है, इसका मतलब है नींद, अगर मुस्तकिल दर्द होती तो वो नींद की हालत ना, नींद आती ही ना उसको, नींद आ जाती है मगर अचानक फिर बड़े ज़ोर से चीख मारता है, इसका मतलब उस वक्त कोई तकलीफ उठी है, हो सकता है डंगदार दर्दें हुई हों, लेकिन इसकी डंगदार दर्दों का वर्म से ज़रूर ताल्लुक है, उसके बगैर नहीं। बाज़ दवाएं ऐसी हैं जिनमें डंगदार दर्द उठती है पाँव से, और बाज़ वक़्त दोनों पाँव से, बाज़ वक़्त एक पाँव से और ऊपर की तरफ चलती है, उसमें लीडम अच्छी दवा है। लीडम अभी आपको पढ़ाई नहीं, मगर लीडम में बाज़ बातें हैं जो इन चीज़ों से मिलती हैं जो पढ़ा चुका हूँ, उनका जिक्र मैं करता रहता हूँ। लीडम में दो तीन बाज़ खास बातें हैं, इसमें पाँव से मरस चलती है और ऊपर की तरफ जाती है, नोकदार हथियारों से जो जख्म पहुंचते हैं उनकी दर्दों में लीडम मुफीद है, और इसमें टीस की दर्दें उठती हैं पांव से ऊपर की तरफ, चलते चलते अचानक इसी तरह तेजी से दर्द उठे और इंसान मफलूज हो जाए और थोड़ी देर ठहरना पड़े, इसमें कॉस्टिकम भी बहुत चोटी की दवा है। एक दफा रवा में जो कब्रिस्तान के पास का महल है ना पहाड़ी के साथ, क्या नाम है उसका, दारुल दारुलफजल है, अच्छा हाँ, दारुलफजल की एक खातून थी मोहम्मद, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अजीब तकलीफ है कि चलते वक्त अचानक तेज टीस उठती है कि नखारे बर्दाश्त, एक पांव से उठती है और कुछ देर के लिए मैं मफलूज हो जाती हूँ, फिर कुछ देर के बाद आगे चलती हूँ, तो मुझे लीडम और कॉस्टिकम का ख्याल आया था, अब मुझे याद नहीं कि लीडम दी थी या कॉस्टिकम, लेकिन हो सकता है कॉस्टिकम दी हो, मगर एक और ख्याल है जिसकी वजह से लीडम की तरफ ख्याल जा रहा है, मैं बात ख़त्म करूँगा तो फिर
पता अंदाजा हो जाएगा कि क्या दिया होगा। गालबन लीडन थी, ठीक है। उसके करीबन कुछ अरसे के बाद उनकी तरफ से मुझे इत्तला मिली कि उनके पाँव में नीचे एक बहुत गहरा जख्म बन गया है, और जख्म नहीं है बल्कि जिस तरह अंदर कील हो जाए ना, कील वाले फोड़े होते हैं, उस टाइप की चीज है, और वो इतनी तकलीफ दे रहा है कि वो चल भी नहीं सकते। तो इसलिए ये भी नहीं पता लग सकता था कि उस मरीज को फायदा हुआ कि नहीं। उस पर मुझे ख्याल आया कि लीडम क्योंकि चुभने वाली चीजों से ताल्लुक रखती है, हो सकता है इनको किसी जमाने में कोई चीज चुभी हो, वो अंदर तक असाब तक उसका असर पहुंचा हो, और उसकी वजह से वो कोई पुरानी दर्द रह गई है। बाकी जब भी असाब के ऊपर यानी नर्व्स के ऊपर कोई ऐसा दबाव आता है तो वो शायद दर्द उठती है। तो उनसे मैंने कहा आप घबराएं नहीं, इंतज़ार करें ये क्या होता है। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि एक ज़माने में उनको कील चुभा था उस पाँव में, और बहुत गहरा चला गया था, और कील निकल गया था, रहा कुछ नहीं। मैंने कहा अगर कुछ ना रहा होता तो ये बात होती नहीं, कोई बात है इसमें, हम इंतज़ार करते हैं कि क्या होता है। वो जख्म फूला और अंदर से वो कील निकला तो पता लगा कि वो गंदा जंग आलूद कील था। डॉक्टर ने जब खींचा है तो कील तो निकल गया, उसका जंग बाकी रह गया था, और वही जंग चिमटा हुआ था उस पीप के कील में, बकायदा जंग पहचाना जाता था। उसने कहा, बल्कि उन्होंने कहा भी कि तो मैं भी समझ गई हूँ कि वही जंग है, क्योंकि वो कील गंदा बाहर जो फेंका हुआ कील होता है ना, इसका जंग का कील वो था। और उसके बाद फिर मुद्दतों वो मेरी मरीजा मुख्तलिफ चीज़ों की रही हैं, लेकिन ये तकलीफ फिर कभी नहीं हुई। इस लिहाज से लीडम को खसूसियत हासिल है कि नोकदार आलों से चुभने के नतीजे में तकलीफें जो पैदा होती हैं उसमें इसको याद रखना चाहिए। अब मैं कॉस्टिकम, मुझे इसलिए ख्याल आ रहा है कि हो सकता है शुरू में मैंने कॉस्टिकम दी हो और फिर लीडम दी हो। उस वक्त मुझे गालबन उनकी तकलीफ की इलामतें जो थी वो पहले कॉस्टिकम से मिलती थी, क्योंकि वो कहती थी चलते चलते अचानक जिस तरह बिजली का करंट पहुंचता है उस तरह शॉक के साथ वो दर्द होती है। लीडम में इस किस्म की दर्द की बजाय आमतौर पर टीस अचानक उठ के ऊपर चली जाती है, ये नक्शा नहीं था। तो बईद नहीं कि पहले कॉस्टिकम दी हो, कोई खास फायदा ना हो तो फिर लीडम दे दी हो बाद में। लीडम और आर्निका दोनों का इस पाँव के जख्मों से एक ताल्लुक है, और ये है कि अगर पाँव में गहरा जख्म हो और अंदर जो नीचे की नर्व्स हैं वो जख्मी हो जाएं तो बाज़ दफ़ा उससे तशन्नुज पैदा हो जाता है, इसलिए लीडम में तशन्नुज पाया जाता है। और जिसको कहते हैं ना टेटनस, टेटनस की दो किस्में हैं। एक तो यह है कि खास बीमारी के नतीजे में उसके जरासीम जो जहर पैदा करते हैं उससे असाब में तशन्नुज पैदा हो, एक है जख्म के नतीजे में और उससे भी तशन्नुज हो जाते हैं। मगर ये दोनों चूंकि बातें मिलती हैं इसलिए खास तौर पर डॉक्टर केंट ने लिखा है कि अगर किसी घोड़े को पाँव में गहरा जख्म आ जाए तो उसको आर्निका या लीडम, ये इन दोनों में से कोई मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन मैं दोनों में ला के दिया करता हूँ, वो फ़ायदा देती हैं। पहले मैंने उसके किताब में पढ़ा था कि घोड़ों को भी टेटनस हो जाता है उनके अपने लीड में, चूँकि जरासीम होते हैं इसलिए वो पाँव जब रखें तो उससे टेटनस की अलामतें पैदा हो जाती हैं। लेकिन हो सकता है वो टेटनस जरासीम का टेटनस हो, लेकिन आमतौर पर आम आदमी चलने वाले को अगर कोई कील या गहरी चीज़ चुभ जाए, कांटा बाज दफ़ा बहुत गहरा चुभ जाए और उससे टेटनस की अलामतें हों पैदा हों तो लीडम सबसे नुमाया तौर पर जहन में उभरती है। और आदमी का साथ रूटीन के तौर पर मिला दिया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। आर्निका और लीडम ही के जरिए
बिच्छू का इलाज बेहतरीन होता है और बिच्छू के कांटे में भी तशनुजी दर्दें पैदा हो जाती हैं। ये 200 मिलाकर 5 मिनट के वक्फे से दें तो अलग फल से बिच्छू के कांटे का बहुत अच्छा इलाज है। बाद इसमें नेट्रोम्योर भी मिला दिया करते हैं, मैं भी देता रहा हूँ मिला के, तो वो एक हर किस्म के डंगों का इलाज इन तीनों को मिलाकर दे दिया जाए तो एक अच्छा नुस्खा है। आर्निका लेगेसिस लीड आर्निका लीडियम और नेट्रोम्योर 200। पहली दो खुराकें थोड़े वक्फे से यानी 5-10 मिनट के वक्फे से और उसके बाद इंतज़ार, अगर फ़ायदा हो तो नसीब घंटे के अंदर अंदर बल्कि बाज़ से भी बहुत जल्दी नुमाया फ़ायदा महसूस होता है। और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो देनी है, वरना ये चूंकि आर्जी बीमारी है इसलिए एक दफ़ा पीछा छोड़ दो तो फिर गायब हो जाती है, पीछे कोई असर नहीं रहता। एपिस आपको मैं पढ़ा रहा था तो उसमें वर्मों का जिक्र है, लेकिन एक और दवा है जो एपिस से बहुत मिलती है, वो भी एक ही पट्टी में है, उसका नाम है एपोसाइनम, APOCYNUM। एपोसाइनम में भी अंतड़ियों में ब्लीडिंग मिलती है और तिल्ली की खतरनाक मर्जों में एपोसाइनम बेहतरीन दवाओं में से है। एपोसाइनम में भी इसकी तरह नुमाया वर्मे हैं जिस तरह एपिस की मिसाल हो, और बहुत इलामतें आपको मिलती जुलती दिखाई देंगी, लेकिन एक नुमाया फर्क करने वाली चीज है, एपिस में प्यास नहीं होती जबकि एपोसाइनम में बहुत प्यास होती है, नखाले बर्दाश्त प्यास होती है। और जहां तक मैंने तजिया किया है इन दोनों का, मेरे नज़दीक एपिस जिगर से ज़्यादा ताल्लुक रखती है, गुर्दे से नहीं, ना एपोसाइनम एपोसाइनम, और एपिस का बड़ा ताल्लुक एपोसाइनम का गुर्दे से है, लेकिन जिगर से भी कुछ होगा क्योंकि स्प्लीन से है। बहरहाल अगर जिगर की खराबी हो तो स्प्लीन का उसके साथ ताल्लुक होता है, बाज़ दफ़ा वो स्प्लीन में यानी तिली में मुंतकिल हो जाती है, ख़ास तौर पर वो जो पुराने मरीज हैं मलेरिया के, उनका जिगर भी ख़राब होता है लेकिन रफ्ता रफ्ता तिली उसका जहर चूसती रहती है। मलेरिया में जरासीम की आदत है कि वो जिगर में अपना अड्डा बनाते हैं और वहाँ वो जिस तरह डाकू गारों में पनाह लेते हैं, मलेरिया के जरासीम जिगर में पनाह लेते हैं, और जब वो अपना सर्कल पूरा कर लेते हैं और उसके जो जरासीम के सेल्स हैं वो टूट कर टॉक्सिन पैदा करके बुखार चढ़ा देते हैं, तो जो जरासीम बचते हैं मुकाबलों के बाद वो वापस जिगर में जाके बैठ जाते हैं, और बाद दफ़ा इतना लंबा अरसा बैठते हैं कि साल हा साल तक आप समझते हैं कि मलेरिया से मैं बिल्कुल क्योर हो चुका हूँ, कोई असर बाकी नहीं। सर्द मुल्कों में जब थकान हो जाए या अचानक कोई जिस्म की ताकत में कमी वाकया हो जाए तो मलेरिया फिर हमलावर कर दे हो जाएगा। ये वजह यही है कि जिगर के अंदर इनका मुस्तकिल अड्डा होता है, और जिगर के बाद नेक्स्ट तिली की बारी आती है, और जब तिली एक दफ़ा फूलनी शुरू हो जाए तो ये मलेरिया की इंतहाई नुकसानदेह शक्ल है, उसमें फिर पेट फूल के सख्त हो जाता है, और आमतौर पर ऐसे बच्चे अगर जिनको देखें आप, उनके चेहरे पे बिल्कुल सैलो हो जाते हैं, खून का निशान मिट जाता है बिल्कुल, और देखते ही घबराहट होती है ऐसे बच्चे का रंग, और पेट फूला हुआ होगा सख्त, और बहुत कम इनके बचने का इम्कान होता है। ऐसे मौके पर एपोसाइनम को इस्तेमाल करना चाहिए अगर वर्मे भी साथ हों, लेकिन प्यास की शर्त याद रखें। एपोसाइनम के अलावा
एक दवा है जो तिली में सबसे ज्यादा असर दिखाती है, वो है सियनोथस, CENOTHUS। मदर टिंक्चर में भी लोग दे देते हैं, मगर मैंने देखा है छोटी ताकत में बहुत मुफीद है, 1x से लेकर 6x तक। अगर आपके पास ना हो एक्सेस में तो मदर टिंक्चर लेके पास रख छोड़ें, और जब जरूरत पड़े तो एक कतरा लेकर 10 कतरे पानी में उसको अच्छी तरह शेक कर दें तो आपकी 1x बन जाएगी। उसमें से फिर चंद कतरे एक घूंट पानी में मिलाकर 2-4 कतरे वो दें तो एक खुराक बच्चे की बन जाएगी। तो इस तरह अगर आपको याद हो अच्छी तरह ये, तो ये दो दवाएं तिली के बहुत मुश्किल केसेस में भी खुदा के फल से उनको आसान कम बना देती हैं और शिफा का मूजिब भी बनती हैं। एपोसाइनम की इलामतों में मैंने बताया था, क्या बताया था नुमाया? प्यास होती है और एपिस में नहीं होती। एपिस का मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बच्चे का सर बढ़ रहा हो, हाइड्रोकेफलस, उसमें चीखों की दवा है, और लेकिन मेरे इलम में नहीं कि एपिस शिफा का मुजीब भी बनी हो उसमें, क्योंकि एपिस में किसी मर्ज दो पॉसिबिलिटीज हुआ करती हैं। एक इलामत है जो किसी खास मर्ज के वक्त पैदा होगी और वो किसी और दवा में भी पाई जाती है, तो इसलिए उसकी तरफ तवज्जो फिरती है। एपिस के जहर के नतीजे में हाइड्रोकैफलस नहीं होता, बल्कि हाइड्रोकैफलस के नतीजे में एपिस की इलामत पैदा होती है, इसलिए एपिस शफा नहीं दे सकती। लेकिन एपोसाइनम का ताल्लुक हाइड्रोकैफलस से है। जो भी बीमारी हाइड्रोकैफलस का मुझे बनती है, उसमें दो तरह की बीमारियां हैं जहां तक मैंने जायजा लिया है। इसमें मेडिकल साइंस क्या कहती है मुझे इल्म नहीं, मगर मैं अपने तजर्बे से जानता हूं कि बाज़ दफ़ा सुराख जिनसे दिमाग के अंदर का पानी जिसमें दौड़ना चाहिए और मुंतकिल होकर निकलना चाहिए वो बंद हो जाते हैं, और बनते ही नहीं। बाज़ दफ़ा हड्डी की ग्रोथ ऐसी हो जाती है कि वो बंद हो जाते हैं, ऐसे बच्चे को हाइड्रोकैफलस हो जाएगा। उसके लिए सिलिशिया के बगैर गुजारा नहीं है, जो मर्जी कर लें सिलिशिया लाजिम चाहिए। बाद लोगों को बच्चों को बीमारी होती है जिससे दिमाग के पर्दों में से पानी रिसता है और वो पानी रिस कर सर को फुलाता जाता है, और उसकी रफ्तार ऐसी है कि उस रफ्तार से निकल नहीं सकता, फिर हो सकता है ब्लॉकेट भी हो जाता हो। जहां दिमाग के पर्दों का पानी अपनी ज़ात में खुद जिम्मेदार है और उनकी खराबी की वजह से बढ़ रहा है, वहां एपोसाइनम दवा है। इसलिए सिलिशिया और एपोसाइनम की जो बुनियादी वजूहात हैं उनका फर्क पेश नजर रखना चाहिए। आज मेरा ख्याल है हमारी एक पुरानी तालिब इल्म नहीं आई हुई, चीरी बेगम कहाँ गई, नहीं ना आई आज। एपोसाइनम और एपिस का फर्क अच्छी तरह याद रख लिया है? क्या क्या बातें बताई हैं? एपिस मेरे इलम में आर्जी है, डॉक्टर तो लिख देते हैं मगर पता नहीं, हो सकता है किसी और होम्योपैथ के इलम में मुस्तकिल शफा का मुझे भी बनी हो। मेरे इलम में आज तक एपिस ने मुस्तकिल शफा हाइड्रोकैफलस को नहीं दी, लेकिन उसके बाद सिलिशिया अक्सर मामलात में बहुत ही मुफीद साबित होती है ब्लॉकेट की वजह से। और अगर हाइड्रोकैफलस में सिलिशिया काम नहीं दे रही तो इस बात का इहतमाल है कि एपिस की ना एपोसाइनम उसमें काम देगी, क्योंकि हाइड्रोकैफलस की असल वजह तो यह है कि अंदर से दबाव बढ़ रहा है और सिर की हड्डियां फैल रही हैं, तो अंदर का दबाव पानी से ही हुआ करता है। वो पानी जो है वो
अगर ऐसी उम्र में पैदा होना शुरू हो जाए जैसे बच्चे हैं तो हड्डियां नरम होती हैं और फैलनी शुरू हो जाती हैं, अगर बाद में हो तो फिर ऐसा मरीज वैसे मर जाता है कि उसको जगह नहीं मिलती और उसके सर में बाज़ दफ़ा ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें पानी पड़ना शुरू हो जाए बीमारियों के नतीजे में, मतलब पर्दे के अंदर से पानी निकल रहा है, तो या कैंसर हो जाता है ब्रेन में उसके फूलने की वजह से जगह तंग है, तो ऐसा मरीज दर्द में मुबतला होकर और कुछ देर बीमार रहकर अक्सर मर जाता है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं होता। अगर कैंसर की हड्डियां ना हो, गुठलियां ना हो और वैसे पानी हो तो सिलिशिया ट्राई करके देखना चाहिए, मुझे अभी तक मौका नहीं मिला बड़ी उम्र में भी, लेकिन एपिस वगैरह वक्त ही काम देंगी, मुस्तकिल मुश्किल है जब तक उस पानी का निकास ना बंद किया जाए। ऐसी सूरत में ब्रायोनिया और हायोसिमस को जहन में रखना चाहिए। जो सेरस मेम्ब्रेन्स हैं दिमाग के ऊपर दो पर्दे, उनसे अगर पानी रिस रहा है किसी वजह से और बड़ी उम्र का इंसान है तो उसको हाइड्रोकेफलस तो नहीं हो सकता क्योंकि वो एनकेसमेंट बड़ी स्ट्रांग और एक किस्म की हार्ड सीमेंट में जकड़ा गया है, उस सूरत में वो तकलीफ होगी सिर्फ। और पहली इलामतें तकलीफ की ये चीखें नहीं हैं बल्कि पागलपन सी हैं, हजियान है, सोते में शदीद बेचैनी और इंसान बकता है बज़ाहिर सोते मगर चैन नहीं आता और यही बीमारी फिर मौत का सबब बन जाती है। ऐसी सूरत में वो दवाएं इस्तेमाल होंगी जिनका बरह रास्त पर्दों और उनके पानी निकलने से ताल्लुक है। इनमें चोटी की दवाएं ब्रायोनिया हैं, सल्फर है और हायोसिमस भी मुफीद है इसमें। और एक और नहीं वो और दूसरी चीज़ में दिया करते थे स्टेमोनियम के मुतल भी इम्कान है कि वो भी इसमें काम आए, पानी निकल रहा। हाँ, एपोसाइनम का मुतलिक मैंने बताया था ना, हाइड्रोकैफलिस में देखी है मगर मैंने कभी इसको उसमें इस्तेमाल नहीं किया। एपोसाइनम की बात खास इलामतें हैं जो अक्सर इन मरीजों में नहीं पाई जाती। एपोसाइनम की इलामत यह है कि फुलफुली वर्मे साथ हों और शदीद प्यास हो तो फिर तो जाहिर बात है कि एपोसाइनम आपके जहन में आनी ही आनी है, लेकिन बिलअमूम टाइफाइड वगैरह के बाद या बाद दूसरे बीमार बुखारों में ये कैफियत पैदा हो जाती हैं और उस वक्त एपोसाइनम की अलामतें नहीं पैदा होती। शायद कभी हो जाए तो मुझे इलम नहीं, लेकिन मेरे पास जो मरीज आते रहे हैं उनमें एपोसाइनम की अलामतें मुझे याद नहीं, लेकिन ब्रायोनिया सल्फर वगैरह ये ज़रूर फ़ायदा देती हैं अल्लाह के फजल से। अगर प्यास बहुत हो और ब्रायोनिया की दूसरी अलामतें पाई जाएँ, खुश्की कॉन्स्टिपेशन वगैरह और जिसम ठंडा हो गर्म ना हो तो ब्रायोनिया का ख्याल पहले आना चाहिए, और अगर जिस्म गर्म हो हाथ पांव में जलते हों और फिर ये इलामतें जहनी इसकी हजियान वगैरह की पाई जाएं तो सल्फर उसमें बेहतरीन है। सल्फर प्लूरिसी की चोटी की दवाओं में से है। सल्फर में ज़ात जम जिसको कहते हैं ना, एक तरफ पानी पड़ जाता है और उसकी वजह से पहलू में दर्दें उठती हैं, उसकी कई दवाएं हैं लेकिन सल्फर उनमें से एक बहुत ही अक्सर इस्तेमाल होने ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली दवा है। एंटीमोनियम टार्ट का मैंने बता दिया है ना, पहले भी पाँव की वर्म वगैरह सब चीज़ें हैं, और भी कोई मिजाज की बात भी बताई थी मैंने एंटीमोनियम टार्ट की कि नहीं? एंटीमोनियम टार्ट का मिजाज क्या होता है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अरे नोट देखा फौरन, हाँ बदतमीजी याद आ गई। अच्छा ठीक है, एंटीमोनियम में ये ऐसा बच्चा बस बाज़ार देखना भी बर्दाश्त नहीं करता, उसको देखें ना आप तो गुस्से से कहेगा नहीं तुम मुझे देख रही हो,
बहुत बेचैन होता है और ऐसे मरीज के पास कभी इयादत करने वालों को नहीं भेजना चाहिए, उनके मर्ज में हमेशा इजाफा होता है जब इयादत करने वाले आए तो। एपिस के मुताबिक देख लूँ कोई रह चुकी नहीं ये बात नोट्स में से। हाँ, एक अजीब बात इसमें ये लिखी हुई है, मेरे इलम में तो नहीं कभी आई लेकिन इसकी खास इलामतों में ये बात पाई जाती है कि अगर अचानक बद खबर मिले और बाज़ दफ़ा बद खबर के अलावा जेलसी क्रिएट हो सडनली, तो उससे इसको दाईं तरफ का फारिज होता है। अब ये एपिस में खास इलामत है, पता नहीं कैसे पता लगा है डॉक्टरों को, लेकिन चूंकि नुमाया चीज़ थी मैंने कहा ये भी आपको बता दूं। अगर कोई ऐसा वाकया हो किसी को अचानक बद खबर से या हसद के नतीजे में फॉलिज हो जाए, हसद की जो जलन है ना वही बड़ी ख़तरनाक होती है, इसलिए ये जो एपिस का जलन से जो ताल्लुक है हो सकता है इसका रूहानी जलन से भी ताल्लुक हो। और इसकी इलामत यह है कि फारिज अक्सर लेफ्ट की बजाय राइट पे होता है। अब ये बताएं डॉक्टर साहब कि वो जो सेंटर है ब्रेन का वो लेफ्ट में जो सेंटर है वो क्या है, वहाँ कुछ हरकत होती है हसद से या बदखबर से जिससे फारिज डेवलप होता होगा, इसका राइट हेमिस्फीयर से ताल्लुक नहीं है, लेफ्ट से है और लेफ्ट होने की वजह से इसका फारिज राइट पे होगा, तो वो क्या है वो सेंटर? नहीं नहीं नहीं, बड़ा नुमाया फर्क है, स्पीच का सेंटर मतलब हाँ नहीं नहीं और भी हैं, लॉजिक कंप्यूट करने का जो सेंटर है वो और है, स्पीच का और है, ये आपस में है फर्क लेकिन इंटर रिलेटेड है, इंटर कम्युनिकेटेड है। तो ये मेरे पास किताबें पढ़ी हुई हैं ऐसी जिनमें राइट एंड लेफ्ट ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस, और वो मैं देख के फिर किसी को बताऊंगा। तो मेरे ख्याल में ये मालूम करना चाहिए कि एपिस का दाईं तरफ क्यों हमला होता है, उस सेंटर का एपिस से कोई ताल्लुक है, इसका मतलब है दोनों राइट साइड। पॉइंट मैं ये रेज कर रहा हूँ कि हमें एपिस को समझने में आसानी मिल जाएगी, हो जाएगी इससे, अगर हम ये पता चले कि लेफ्ट साइड के ऊपर वो कौन से मेंटल फंक्शंस हैं जिनका हसद या बदखबर से ताल्लुक है, तो एपिस की का उससे ताल्लुक साबित हो जाएगा और उसके फंक्शंस की समझ आ जाएगी क्यों ऐसा होता है। क्या उठ के बताएं जरा ऊंची आवाज में, स्पीच का लेफ्ट से ताल्लुक है? नहीं लेकिन और भी देखना पड़ेगा, राइट लोब का किस चीज से ताल्लुक है? नहीं मेरे ख्याल देखना ही पड़ेगा, मेरे पास हैं ऐसी किताबें बड़ी अच्छी जो राइट एंड लेफ्ट को बिल्कुल नुमाया करके बता रही हैं, और एक दफ़ा मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, दिलचस्प थी, एक फिर वक्त नहीं मिला, मेरे पास पढ़ी हुई है, मैं इंशाल्लाह जाके देख लूँगा। कल मैंने आपसे लिलियम टिक का जिक्र किया था ना कि नहीं, लिलियम का किया था, इधर यादाश्त ज़्यादा बेहतर है, पता नहीं राइट सेंटर में है या लेफ्ट सेंटर में है, लेकिन नहीं कल से मुराद गुज़श्ता इनको बस कल तक ही बात याद रहती है डॉक्टर साहब को लिलियम का जिक्र किया था, किस जमीन में किया था? हाँ, और दिल की तकलीफ लिलियम बहुत अच्छी है, खुसूसन हिस्टेरियाई मिजाज की औरतों के लिए लिलियम बहुत चोटी की दवा है।
अगर उनको तकलीफ हो तो उसमें ये बात पाई जाती है। लेकिन लिलियम की बाज़ बातें ऐसी हैं जो ख़ास तौर पर याद रखनी चाहिए, क्योंकि वो इसको बाकियों से मुमताज़ करके दिखाती हैं। आमतौर पर यह ख्याल होता है कि अगर हिस्टेरियाई मिजाज की नाजुक मिजाज औरत हो तो उसकी नब्ज तेज़ होनी चाहिए, और अक्सर तेज़ी होती है। लिलियम एक ऐसी दवा है जहाँ नब्ज आहिस्ता होती है। अगर नब्ज आहिस्ता हो तो फिर लिलियम का ख्याल जहन में आना चाहिए। एपोसाइनम में भी नब्ज आहिस्ता हो जाती है, और एपोसाइनम की पहचान में से एक ये है लिलियम टिक को मैंने देखा है, ये जरूरी नहीं कि आहिस्ता हो मगर दो इंतहाओं में मिलेगी। मालूम होता है अगर नर्वस ब्रेकडाउन हो तो उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा नब्ज़ तेज़ होते होते फिर जवाब दे जाती है और फिर आहिस्ता हो जाती है। इसका एक और दवा से भी इसी तरह ताल्लुक़ है, नाजा जो सांप का जहर है वो भी दिल पर असर करता है, और अमूमन उसको टैकीकार्डिया में आप पढ़ेंगे। टैकीकार्डिया का मतलब है नब्ज़ का तेज़ हो जाना, लेकिन एक चीज़ है ब्रैकीकार्डिया यानी नब्ज़ का सुस्त हो जाना। नाजा को मैंने दोनों जगह देखा है इफेक्टिव। अगर नाजा की अलामतें मिलती हों तो बाज़ केसेस में बाज़ मरीज थे जिनकी नब्ज़ 30 रह गई थी और हिलती ही नहीं थी, डॉक्टरों ने पूरा जोर लगाया, उसका बिल्कुल जवाब दिया हुआ था, 30 से ऊपर नहीं जाती थी। तो नाजा मैंने उनको दिया तो वो 60 तक पहुँच गई, और बड़ी उम्र के वो थे काफ़ी मरीज। तो इसलिए ये जब मैं कहता हूँ ना आहिस्ता, ये लाजिम नहीं है, इसमें तेज भी मिलती है नब्ज, लेकिन पूरी तरह मैं समझा नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि अगर वो जो बिजली की लहरें नब्ज को एक ख़ास वक्त के मुताबिक हदायत दे रही होती हैं उनमें कोई ख़राबी पैदा हो तो उसी से नब्ज या तेज़ हो जाएगी या आहिस्ता होगी। तो इन दवाओं का दरअसल उस सेंटर से ताल्लुक है, इसका दिल के अपने उजलात से ताल्लुक नहीं है। इस पहलू से एपोसाइनम भी चूंकि वो वर्म फुलफुली वर्म पैदा करती है, हो सकता है दिमाग के उस हिस्से पर प्रेशर पड़ता हो जिससे इसका नब्ज की रफ्तार का ताल्लुक है, मगर वो ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं सारे। नाजा भी उन पर जहर असर दिखाता है क्योंकि सांप का वो जहर है जो असाब पर हमला करता है, मगर इनके आपस का फ़र्क आपस में मुश्किल नहीं है, बहुत नुमाया फ़र्क है इनकी अमूमी इलामतों में। और एपिस को भी ब्रैकीकार्डिया में याद रखना चाहिए, एपोसाइनम को ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया था मैंने क्या कहा था, ब्रैकी पहले ब्रैकी कह रहा था, इस ब्रैडीकार्डिया यू राइट, ये बहुत पुरानी पड़ी हुई है ना चीज़ें, और चूंकि मैं डॉक्टरी की तालीम हासिल नहीं की इसलिए उसमें गलतियां को रह जाएंगी, कोई हर्ज नहीं। इसलिए इसको ब्रेडी कहना जरूरी है आपको समझाने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। अब लिलियम शुरू करें या पट्टी को उसी तरह चलाते हैं आगे? क्या किसको किसकी राजिया कौन सी? हाँ हाँ उनको, अच्छा अच्छा ठीक है, उनको जो काम काम कर बुखार हुआ है, सेप्टिक हो गया है, उनका बच्चा पैदा हुआ ना अभी थोड़ी देर हुई है, और वो फिर रही थी इतनी जल्दी, कल उसको मैंने समझाया भी था, मैं तुम जल्दी लेके आ गई हो, पायरोजेनम और सल्फर 200 में बिला ताखीर शुरू करा दें, दिन में 2-3 दफा। क्या एलेंथस? वो आपने लिखाई किस चीज के लिए? बुखार के लिए। हैं? बुखार के लिए। वो बेशुमार बुखार होते हैं। नहीं वो जन्म के बुखार के लिए।
इसने प्रसूति बुखार समझ लिया। प्रसूति बुखार ही है ये किस्म का, लेकिन एलेंथुस उस वक्त काम आती है जब ब्रेक डाउन हो जाए कंप्लीट, और वो मैंने आपको कराया था कि एलेंथुस वो दवा है जो म्यूकस मेम्ब्रेन और अंदरूनी झिल्लियों में जगह जगह स्पॉट पैदा करती है, जिस तरह एमोनियम कार भी करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एलेंथुस भी ब्रेक डाउन के वक्त खासतौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन वो नहीं देनी फौरी। पहली दवा लाजमन सल्फर होनी चाहिए, ये तो मुसलसल तजर्बे में है। सल्फर, सल्फर के साथ अगर आप एकोनाइट भी मिक्स कर दें तो वो हिस्सा जो शुरू का है उसको एकोनाइट कंट्रोल कर लेता है, मॉडिफाई कर देगा तकलीफ को। 200, मैं तो हमेशा इसको 200 में देता हूँ, हो सकता है 30 में भी फायदा दे, मुझे इल्म नहीं। एकोनाइट 200, सल्फर 200 और पायरोजिनम। ऐसी बीमारी, ये नॉर्मली सल्फर 200 हफ्ते में एक दफा काफी होती है, लेकिन जब एक्यूट डिजीज हो फौरी, उनमें 10-15 मिनट के वक्फे के बाद भी दी जा सकती है। बल्कि बाज जो दवाखाने हैं उनकी किताबें जो छपी हैं उनमें लाख ताकत को भी शुरू में 2-3 दफा 10-15 मिनट के वक्फे से देते हैं, उसको कहते हैं पंपिंग डोज, वो इसलिए इस्तेमाल होती है। या नेल्सन है ना हिंदुस्तान में, उसका मटेरियल मेडिका का क्या नाम है उसका, बोरिक, नहीं बोरिक नहीं, बोरिक तो है, मैंने गलती से एकदम मुझे याद आ गया है कि बोरिक कह दिया था यहाँ की, बोरिक एंड टेफल जो है ये तो वहां की है, अमेरिका की बीटी, और यहां वाली जो है ये नेल्सन नाम जो बनाते हैं दवाएं, इनका जो मटेरियल मेडिका है ब्लैक, उसका नाम क्या है, बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है, अच्छा है वो। वैसे आमतौर पर छोटी पोटेंशियल देते हैं, वो देखें मेरा उसको बोरिक का है नेल्सन का है, अगर वो बोरिक का है तो फिर वो अमेरिकन है, और अमेरिकन ज्यादातर हाई पोटेंशियल देते हैं, और जो इंग्लिश मटेरियल मेडिका होगा, बहुत से थे मेरे पास, अब वो मखर रबा में कहीं पड़े होंगे, उनके टाइटल मुझे याद नहीं, मगर जहन में सारी तस्वीर है उस किताब की। इंग्लिश अक्सर लो देते थे, क्लार्क है उसका नाम, याद आ गया, इंग्लिश डॉक्टर जो मशहूर रोजमर्रा के इस्तेमाल का मटेरियल मेडिका का मुसन्निफ, उसको आप पढ़ें तो उसमें 3X, 1X, 2X अक्सर एक्सेस ही नजर आते हैं, शास के तौर पर वो कहीं 30 या 200 या ऊपर की छलांग लगाता है। अमेरिकन जो हैं वो डॉक्टर वो ज़्यादा ऊपर जाते हैं, और इनमें असल तो यही है कि बीच में कहीं ना कहीं कोई पोटेंशियों की ये मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम का किनारे हैं, दवा वहाँ से लेकर वहाँ तक, इसलिए वो जो काला मटेरियल मेडिका वो क्या नाम है उसका देखें सही, उठा लो भाग के सलीम, आया हुआ नीचे पड़ा हुआ, लोग बताते क्यों नहीं, लो जी आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली ये बोरिक का है, ये अमेरिकन है, बोरिक एंड टेफल ये दो ये नाम इकट्ठे चलते हैं। ये दवाइयां बनाने वाली वहां कंपनी है वाशिंगटन के पास, फिलाडेल्फिया में है गलबन, ये मगर इसमें टेफल नहीं है, सिर्फ बोरिक ही की है, बोरिक एमडी 12th edition. मालूम होता है इन लोगों के विचारों के, कोई किसी ने वो उस जमाने में वो नहीं रिवाज होगा, इसके उन्होंने वो नहीं करवाया हुआ नंबर रजिस्टर, इसलिए हिंदुस्तान वाले आम तौर पर छापते रहते हैं अपनी तरफ से। एड्रेस में देखना चाहता हूँ कौन सा है, ये वही मुश्किल है, असल वहां का छपा हुआ नहीं है,
किसी और जगह से किसी कंपनी ने अपनी तरफ से इशारा कर दिया, लेकिन है ऑथेंटिक बहरहाल, डेटो कॉपी है उसकी। तो ये बीटी का मैंने जिक्र किया था गालबन बोरिक का, और इसको इंग्लिस्तान का शायद कह दिया था, मुझे जहन में हल्का सा वहम पैदा हुआ है, लेकिन याद रखें बोरिक अमेरिकन है और इनका जो मटीरियल मेडिकल इस किस्म का मिलता जुलता वो क्लार्क का है। वैसे क्लार्क भी अच्छा डॉक्टर है, और इन नेल्सन वालों ने पता नहीं शायद किया कि नहीं, कोई पता करना चाहिए इनसे। जो किताबें इसके अलावा मुफीद हैं रोज़मर्रा, उनमें एक डेवी बहुत अच्छी किताब है, डेवीज, और एलन के इशारे लीडिंग सिम्टम्स। अगर आपने अपना आम मुतालिया बढ़ाना है तो बड़ी बड़ी भारी किताबों की बजाय ज़्यादातर इनसे इस्तेफादा करें। ड्यूई और एलन बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत आसान इशारे देती हैं और अक्सर औकात ठीक ही होते हैं इनके इशारे। लेकिन अगर मटीरिया मेडिका पढ़ना है तो सबसे अच्छा कैंट का है, उससे बेहतर मैंने नहीं देखा कोई। फेरिंगटन भी बहुत आला दर्जे पैमाने का है, लेकिन बहरहाल कैंट का मुकाबला नहीं है। और जो हिंदुस्तान का है उसका नाम काशीराम है, काशीराम, उसने इन सबको इकट्ठा कर दिया है। उर्दू में है, लेकिन उसकी खूबी यह है कि उसने जितने भी जितने बड़े बड़े होम्योपैथ हैं उनकी किताबों को पढ़ के मुतालिया करके उनका तर्जमा करके उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो इज नॉट एन ओरिजिनल ऑथर, वो कंपाइलर ज़्यादा है ऑथर से, और लेकिन चुटकुले लिखने का उसको शौक है, इसलिए हो सकता है बाद चुटकुले उसके अपने भी हों, मगर ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं किसी न किसी किताब में मिल जाते हैं, वो किताबों से इकट्ठे किए हुए हैं ज़्यादातर। अच्छा, किसने दी थी? किसी पेशेंट ने। अच्छा, डॉक्टर साहब तो वो पैसे गए जी, उसमें वो ड्रग पिक्चर। अच्छा, वो भी अच्छी है उसमें। और इंडिया की किताबें लिखने वालों में बोस कलकत्ता का बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं इसे मिला भी था। एक तो उसके बच्चे भी बोस कहलाते हैं, लेकिन दी बोस समीन जिसकी सारी इंडिया की फेम थी, बाहर भी मशहूर था, वो बंगाली डॉक्टर कलकत्ते का बहुत अच्छा आदमी था। जब हजरत मुस्लिम माऊद बीमार थे तो मुझे कलकत्ते जाने का मौका मिला, तो मुझे ख्याल है कि बोस से मिलके उससे भी पूछूं, डिस्कस करूं, तो उसने बड़े खुले दिल से मौका दिया। बेशुमार आदमी थे उसके पास बैठे हुए, पता नहीं किस तरह वो देखता था इतने मरीज, लेकिन उससे जो मैंने डिस्कशन की उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी गहरा फहम रखता है, और उसने जो दुआएं तजवीज़ की थी वही थी जो मैं पहले भी दे रहा था, कोई ख़ास अलग चीज़ नहीं थी। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के महदूद दुआएं हैं, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम नहीं है उनका। तो बोस भी अच्छा है, उसने भी बाज बीमारियों को आसानी से समझाने के लिए बाज इशारे लिखे हुए हैं। हमारे अहमदी डॉक्टरों में से डॉक्टर रशीद बंगाली ने किताब लिखी थी, जो कराची में थे, वहीं फौत हो गए, है ना वो? अच्छा, वो कहाँ से आपके पास आ गई? वो आपके रिश्तेदार भी बनते हैं दूर नज़दीक से, है ना? मुझे पता लग गया, वो रिश्ता फोलना नहीं चाहिए मगर मुझे पता लग गया है। वही मैं कह रहा हूँ, उनको शौक था ज़्यादातर दवाओं के फलसफे पर गुफ्तगू का, और वो गहरा उतर कर वो फलसफा अपना पेश किया करते थे, उनका बड़ा वहाँ होम्योपैथ में एक मर्तबा मकाम समझा जाता था। मगर मुश्किल ये है कि जो फलसफा उन्होंने जिस तरह बयान किया है रोज़मर्रा के इस्तेमालात में वो अमूमन काम नहीं आता। मसलन वो सेमीसिफ्यूजा के मुतालिक लिखते हैं, इसको ब्रायोनिया और आर्निका से फ़र्क बताते हैं,
तो कहते हैं कि ब्रायनिया जो है वो आर्निका तो बाहर की चोटों और खून के इस्तेमाल से ताल्लुक रखती है, ब्रायोनिया मसल की मेन बॉडी से ताल्लुक रखती है, और सिमिसी फ्यूजा मसल के हार्ट से ताल्लुक रखती है। अब ये फिक्रा तो समझ आ जाती है, लेकिन रोजमर्रा में आपको कुछ पता नहीं चले ये हार्ट की दवा है या किसकी दवा है। और भी बहुत सी दिलचस्प बातें मैंने उनमें देखी, मगर जब इस्तेमाल की तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए उनका इल्म तो था, लेकिन चूंकि वो थे बंगाली, वो अपने इल्म को उर्दू में अच्छी तरह जाहिर नहीं कर सके, इसलिए उनसे इस्तेफादा मुश्किल है। क्योंकि आपने फायदा उठाया उससे? नहीं नहीं, वो तो फौत हो चुके हैं, किताब नहीं ना आती समझ में, मगर वैसे अच्छी शोहरत रखते थे, उनके हाथ में भी शिफा भी अल्लाह की फजल से अच्छी थी। इसका मतलब है कि उनको बयान में कमजोरी हुई है, वो ये समझा नहीं सके कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, जबकि कैंट इतना वाजे बयान करता है कि उस वो जब खोल कर बात कह दे तो उसमें कोई गपशप नहीं, बिल्कुल। जितना भी इस इल्म में यकीनियत पाई, यकीनी हालत पाई जा सकती है, कैंट के बयान में पाई जाती है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा था, इन्होंने उसका रुख ही बेहुदा से रखा हुआ है, कभी आगे हूँ तो आवाज़ ऊँची हो जाती है, कभी पीछे हूँ तो हट जाती है, यूँ चाहिए था है? अब ठीक है ना? अगली दवा आपको मैं पढ़ाऊँ जो अल्फाबेटिक हो या दूसरी? अच्छा, इसी में से निकाल देते हैं, ये जो बोरिक का है, मटीरियल मेडिका। अर्जेंटम नाइट्रिकम पढ़ा दिया मैंने? नहीं पढ़ाई। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो कल मैंने आपकी बच्ची को भी दी थी, हैं? तभी आप फंसी हैं इस पे खास है। वही थी, ठीक है। आप क्या कह रही हैं? याददाश्त की भी दवाई दे दे, वो याद ही नहीं रहती चीजें। आप होम्योपैथी वहां से शुरू करें अपनी? जी क्या? काली फॉस अमूमन मैंने देखा है कि याददाश्त के लिए बहुत अच्छी है, और अगर लंबी बीमारी के नतीजे में हो खराबी तो उसमें वो जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की दवाएं हैं वो काम आएंगी। उसमें एल्यूमिना है मसलन, सल्फर दोनों के बैन बैन है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में भी असर रखती है और आमतौर पर याददाश्त बढ़ाने में भी। मसलन वो मरीज जिनको अचानक खून की सप्लाई बंद हो जाए दिमाग को और याददाश्त को बैठे, अब वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस तो उसको नहीं कहते, बाहर वो नगें ठीक ठाक हैं, लेकिन जो बीच में वक्फा पड़ा है उसकी वजह से याददाश्त मिट गई है, उसको उजागर करने में सबसे अच्छी दवा सल्फर है। ये पता नहीं कैसे असर दिखाती है मगर करती है, बहुत मरीजों में मैंने खुद देखा है इसको। भूली हुई बातें जो यूं लगता था मिट गई हैं, मालूम होता है मिटी नहीं, वहाँ भी नक्श थोड़े थोड़े बाकी थे। जिस तरह कंप्यूटर से बैटरी निकालें या कैलकुलेटर से तो थोड़ी देर लगती है उसको मिटने में, तो इस तरह दिमाग के पर्दों पर भी जो हरूफ लिखे जाते हैं इलेक्ट्रिक लहरों में ही है ना, वो भी कंप्यूटर तरीके पर, उनके मिटने में कुछ देर लगती होगी, अगर उससे पहले पहले वो इंसान की सप्लाई बहाल हो जाए तो वो उजागर किए जा सकते हैं। क्यों जी, आप फरमाएं क्या? सल्फर तो मैंने CM से लेकर 30 से लेकर CM तक सब इस्तेमाल की हुई है, डिपेंड करता है कौन सी बीमारी। अब मेरा जो नया रुझान है वो ये है कि कैंसर में मैं सल्फर को बहुत ऊंचा देता हूँ, और सिलिशिया भी CM, और अभी रिसेंट केसेस में 2-3 जगहों में बहुत अच्छा नुमाया असर पड़ा है, जो बिल्कुल गए गुजरे केसेस थे उनकी इतला मिली है, वो वापसी शुरू हो गई उनकी अल्लाह के फजल से। तो ये तो है ऐसा ऑर्डर
جس میں ایک خطرہ ضرور ہوتا ہے، اگر جسم میں کلی مجموعی طاقت اتنی نہ ہو کہ بیماری کو مقابلہ کر سکے، تو پھر اونچی طاقت بعض دفعہ رد عمل پیدا کرتی ہے، اور اس کو پھر توڑنا چاہیے رد عمل کو. یہ نہ سمجھیں کہ رد عمل ہو گیا ضرور اچھا ہوگا. بعض حالتوں میں اکثر جو کینسر میں میں نے دیکھا ہے کہ دوا فائدہ دے تو رد عمل نہیں ہوا کرتا، کیونکہ کینسر اس جگہ کی دوا ہے جو رد عمل والے حصوں سے پیچھے واقع ہے، اور اگر اس میں ہو جائے تو اس کا مطلب ہے طاقت نہیں ہے مریض میں، اور اس میں محض تکلیف ہوگی اور اس کو فائدہ کی توقع نہیں ہے. اس لیے میرا یہ ذاتی رجحان ہے، کتابوں میں تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ تجربے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں مزید تحقیق طلب ہیں، لیکن کینسر میں اونچی طاقتوں کو میں نے زیادہ مفید دیکھا ہے، اور چھوٹی طاقتیں معمولی سا اثر کر کے پھر چھوڑ دیتی ہیں. 200 طاقت میں بھی میں نے دیکھا ہے، تھوڑی دیر فائدہ دیا پھر چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا، تو معلوم ہوتا ہے وہ گہری ہیں اور زیادہ چاہیے. لیکن خطرہ بس وہی ہے رد عمل کا. اگر رد عمل ہو اور تکلیف بڑھے اور فائدہ نہ پہنچے، تو ہر ایک اس دوا کا اینٹیڈوٹ آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے، اور وہ بلا تاخیر شروع کروا دیں. سمجھ گئے؟ جی فرمائیے. خون کی سپلائی جو بند ہو جائے، میں آپ کو یہ میں سب بتا رہا ہوں کہ یادداشت سے جو مختلف دواؤں کا تعلق ہے، اس میں روزمرہ کے لیے کالی فوس، اور نسبتاً لمبی حالتوں میں سلفر، لیکن بعض ایکیوٹ حالتوں میں بھی سلفر کام آتی ہے، جبکہ مریض بے ہوش ہو گیا ہے، اس کی سپلائی مثلاً شوگر کے کمی کی وجہ سے اچانک یادداشت ختم ہو گئی ہے، کوما میں چلا گیا ہے. ایسے مریض کی پرانی یادداشتوں کے پرنٹ کو ابھارنے کے لیے سلفر بہت اچھی دوائی ہے، اور فوری طور پر دینے کے لیے کاربوویج از اے مسٹ. کاربوویج سے آپ کو شروع کرنی چاہیے جرنی. کیا کاربوویج؟ تو میں 30 میں اکثر دیتا ہوں، اللہ کی فضل سے بہت مفید، 30 میں فوراً کام دکھاتی ہے. اور سلفر کو عام یادداشت کے لیے بھی میں نے استعمال کیا ہے کئی مریضوں میں، یہاں کالی فاس نے کوئی فائدہ نہیں دیا، سلفر دے کے دیکھا ہے، اچھی چیز ہے عموماً یادداشت کو. کیا سلفر سے؟ نہ نہ، کیوں آپ کو کیا خطا ہے؟ اب اتر رہے ہیں؟ سلفر کھائی تھی؟ سلفر سے بال نہیں اترا کرتے. سلفر اگر ایگریویشن پیدا کرے اور غلط استعمال ہو تو پھر اس سے ممکن ہے اتریں، کیونکہ سلفر کی ایک ایسی قسم ہے جس کو بال اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سلفر کا ایک کمپاؤنڈ ہے، وہ جو پاؤڈر ہوتا ہے نا بال اتارنے والا، اس میں وہ سلفر کی دوا پڑتی ہے، سلفر کا ایک کمپاؤنڈ پڑتا ہے. مجھے اس وقت نام یاد نہیں رہا، مگر پہلے مجھے یاد تھا، اس کے مطلب سلفر کھا کے شاید دوبارہ واپس آ جائے وہ. لیکن وہ مجھے یاد ہے، ہمارے ہاں ایک قادیان میں اسکول میں ایک بابا ہوا کرتا تھا، اور اس بابے بیچارے کو بال سرخ اور اچھا وزن قطع کا آدمی، مگر اس میں ایک کمزوری تھی کہ چوری سے کوئی اس کو وہ نہیں تھا، کوئی خاص چھوٹی موٹی چوری جو ہوتی، بڑی چوری نہیں، چھوٹی موٹی چوری میں وہ سمجھتا میں بابوں کا حق ہے، کوئی حرج نہیں. وہاں قادیان میں ایک دفعہ جب اسکول کے بچے نئے نئے آتے ہیں تو ہاسٹل میں ان کو جگہ ملنے سے پہلے مسجد میں ٹھہرا دیا جاتا ہے. اس زمانے میں یہ وہ دن تھے جب کہ اسکول کے بچوں نے اپنے بستر گول کیے ہوئے، تھوڑا سا سامان ساتھ رکھے ہوئے، باہر سے آ کر انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں الاٹمنٹ ہو تو پھر ہم ہاسٹل میں منتقل ہوں. مسجد نور کے پاس ہی ہوا کرتا تھا ہاسٹل. ان دنوں میں وہ بابا صاحب کو پتہ لگا کہ بعض بچوں کے اس میں بستر میں تیل کنگھی وغیرہ شیشہ سب کچھ موجود ہے، تولیہ، تو بستر کھولتے تھے ایک بچے کا اور اس میں زیادہ اچھی چیزیں ہوں گی. اور کسی وقت آ کے جب وہ بچے باہر وہ پڑھ رہے تھے تو آ کے تو وہ کھول کھال کے اس کو استعمال کرتے، صابن استعمال کیا، تیل لگایا، اور اس نے
दाढ़ी बाल सबको अच्छी तरह तेल किया, फिर कंघी की, वापस लपेट के सलीके से उस तरह छोड़ गए। बच्चा बड़ा तंग आया, दो तीन दिन में बड़ा सख्त, ये पता नहीं कौन चीज है। तो वो एक और बच्चे के बिस्तर में लिपट के, तो थोड़ी सी आंखें निकाल के, तो लेट गया, स्कूल नहीं गया। तो उसने देखा, हाँ उसको हड़ताल कहते हैं, हड़ताल गंध की, हड़ताल लफ जो चीज है ना, है गंध की, हड़ताल गंधक से बनती है, वर्खी भी होती है, दूसरी भी होती होगी, लेकिन वो गंधक ही के कंपाउंड का नाम है हड़ताल, और बालों की बड़ी शदीद दुश्मन है। तो उसने देखा ना बाबा जी इस तरह, वो सुरख बड़े इत्मीनान से किए, तैयार हुए, उसी तरह सलीके से लपेटा, वापस गए। तो उसने दूसरे दिन हड़ताल लेकर अपने तेल में डाल दी और अच्छी खासी खैर वो बाबा जी आए, उन्होंने जाके वो तेल निकाला, उसको खूब मरा, सारे बाल दाढ़ी के भी और हाथों में आ गए। बाबा जी हैरान परेशान तो लड़का इस फलाकबार के बाहर निकला और उसको कहता पंजाबी में कि बाबा बाबा मुड़े मुड़े थे बाबा उधर से लड़के लड़के या एक बाबा पढ़ रहे वो कहा चला गया। तो ऐसा मशहूर हुआ लतीफा वो कि बहुत उस बाबे से मैं मुलाकात भी हुई अगर हो जाती तो जरूर पूछता लेकिन उसकी तो उम्र बेचारी की कौन सी बाकी रह गई थी कि बाल उगते और इंतजार करता कि पूरे होते। काफी मोहम्मद बाबा था बेचारा, लेकिन ये हसरत रहेगी हमेशा कि उसे पूछ नहीं सके। हाँ अच्छा, हड़ताल बर्की, हड़ताल वाव से शुरू होता था, वर्की हाँ, अंडे की सुफेद। अच्छा, वो कहते थे कि हम पहले तजर्बा करेंगे किसी के ऊपर तो फिर हम देखेंगे कि ये काम देती है कि नहीं। बड़ा जरूर है, उसके बाद मुझे नहीं पता कि उन्होंने तजर्बा किया या नहीं किया, लेकिन मुझे उन्होंने नुस्खा ये निकाल के दिखाया। फिर आपने तजर्बा किया किसी पर? नहीं, मैं ले आई थी वैसे, जरूर मेरे पास है वो डली, मैं ले आई हुई हूँ, लेकिन जी लेकिन मैंने डर के मारे से तजर्बा नहीं। बहुत एहतियात करिए, हमारे लर्शीद साहब को तो नहीं आते। चलो ठीक है, क्यों ये वक्त का है भी या खत्म हो चुका है? अच्छा, एनाकार्डियम बता चुका हूँ मैं, आज शुरू किया हुआ था तो शुरू करना है। इसकी मोटी मोटी बातें ये हैं कि मीठे की बेशुमार ख्वाहिश अर्जेंटम अच्छी चीज है, और रोजमर्रा बच्चों में इस्तेमाल के लिए इसका चुटकुला ये है कि अगर खाना खाते ही हाजत हो, चंद मिनट के बाद ही, बाद बच्चे हैं जो उधर खाना खाया उधर दौड़े, उनके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी चीज है। रात को सोने में पाँव की बेचैनी, और पाँव टिकते नहीं हैं कहीं, उनमें अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा है। और भी बात चीज़ों में है, लेकिन अर्जेंटम में भी ये बात बहुत पाई जाती है। दिल की तकलीफ़ों में भी अर्जेंटम मुफीद है। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह फिर तफसील से जब कल बात होगी उस वक्त करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं वक्त हो गया है। अर्जेंटम में ये लिखा होता है कि मीठे की ख्वाहिश, लाइकोपोडियम में भी पाई जाती है मीठे की ख्वाहिश, लेकिन अजीब बात है कि अर्जेंटम को मैंने मीठे की ख्वाहिश बिल्कुल ना हो उसमें भी इस्तेमाल करके देखा है। और ये मैंने तजर्बे किए हैं बाज़ दवाओं में कि वो अपने बरक्स सूरत के लिए भी मुफीद हो जाती है। असल में बेसिकली अर्जेंटम में ये बात पाई जाती है कि मीठा मीठा खाने की ख्वाहिश पैदा करती है, और चूंकि ये नुमाया है इसमें, इसलिए होम्योपैथिक में इसके बरक्स नतीजा पैदा करेगी। लेकिन बाज़ दवाएं जो अपना असर रखती हैं किसी बीमारी में, बाकी इलाज से मिलती हों, तो वो उसको बहाल कर देती हैं अपने पुराने असर को। होम्योपैथिक असर करने की बजाय वो
उस मिटी हुई ख्वाहिश को जो इसकी वजह से मिट जाती है उसको उभार देती हैं। तो ये भी एक नई बात है जो तजर्बे से ताल्लुक रखती है। मेरे तजर्बे में तो इसके मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है इससे, बाकी जगह भी देखना चाहिए। अब ब्रायोनिया है मसलन, प्यास बुझानी चाहिए, लेकिन ऐसे मरीजों में जहाँ प्यास नहीं थी उनको ब्रायोनिया की बाकी इलामतें थी, जब मैंने ब्रायोनिया दिया तो प्यास बहाल हो गई और बड़ी नुमाया हो गई। जेलसीमियम इसके बरक्स प्यास ना हो तो फिर दी जाती है। जिनमें मुंह खुश्क, ऐसी दवाएं जिनका ताल्लुक गहरी असाबी कमजोरी से है, उनमें इलामतें प्यास की हैं लेकिन प्यास बिल्कुल नहीं। जेलसीमियम इसकी इंतहाई मिसाल है। मुंह बिल्कुल खुश्क, गला भी खुश्क, जुबान बाज़ा सुबह लकड़ी की तरह हो जाती है, लेकिन कोई प्यास नहीं। और जिस्म और खून में प्यास के नतीजे में जो कमजोरियां होनी चाहिए वो जाहिर हो रही होती हैं। लेकिन मैंने देखे यानी इसको दो हालतों में देखा। एक ये प्यास के लिए, इससे प्यास लगनी चाहिए, मगर जिनको प्यास लगती थी और दूसरी इलामतें जेलसीमियम की थी उनकी प्यास की शिद्दत कम हो गई। तो ये अजीब बात है जो तजर्बे में आई। इसी तरह जेलसीमियम का एक और असर है जिसमें, हाँ, जेलसीमियम में ये आपको इलामत मिलेगी कि पेशाब खुला सफ़ेद बेरंग और ज़्यादा आता है, बार बार, बहुत बार बार नहीं मगर बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए घंटे दो घंटे के बाद जब भी आए खुला आएगा, थोड़ा नहीं आएगा। अगर थोड़ा आए और बार बार आए तो उसका, उसके लिए और दवाएं, मसलन आर्सेनिक है, कैंथ्रिस वगैरह, इस किस्म की दवाएं। जेलसीमियम अगर दी जाए तो जहां फ़ायदा देती है वहां ये प्यास ये बढ़ा देती है इसको, पेशाब को, और बाज़ रुकी हालतों में पेशाब को बढ़ा देती है और बड़े हुए पेशाब को भी ये मुनासिब कर देती है। तो इसकी अभी पूरी तहकीक होम्योपैथी ने नहीं की कि ये दवाएं जहन के किस सेंटर पे असर करती हैं, और या जहन के ऐसे सेंटर होंगे जिन पर अभी तहकीक ही नहीं हुई, मगर मुतजाद नतायज भी पैदा कर दिया करती हैं। इसलिए बाज़ होम्योपैथ जो कहते हैं ना जी इसमें तो वो इलामत नहीं है, वो नहीं देनी, वो अक्सर बाज़ शफा से महरूम रह जाते हैं। मैंने तो दवाओं को उनके जो नुमाया असरात हैं उनके साथ बांधने के बाद उनको इस्तेमाल किया है, और बाज़ दफ़ा ज़रूरी चीज़ें, मसलन जेलसीमियम में कहते हैं कोई प्यास नहीं, लेकिन प्यास वाले मरीज को भी अगर बाकी इलामतें थी दे के देखा है तो फ़ायदा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसानी बीमारियाँ 100% किसी बैरूनी दवा से मुशाबे हो जाएँ। कुछ मुशाबे हों और वो एक दफ़ा चाबी खुल चल पड़े तो फिर सारा ताला खुलता है, थोड़ा नहीं खुलता। और बाज असरात धर्म बरम होते हैं, मगर यह मतलब नहीं है कि कोई असर भी आप ना देखें। मिजाज शनासी बहुत अहम है। अगर एक जेलसीमियम का मिजाज आपके जहन में नक्श हो गया, आपको अंदाजा, फिर आप मरीज देखते हैं आपको कोई शुबा नहीं रहता। वो तफसील से बताता है जब बातें बाज इलामतें उसके मुनाकिज होंगी, उसके बरक्स होंगी। ये मैं समझा रहा हूँ, मिजाज की बुनियादी सिफात मौजूद होनी ज़रूरी हैं, फिर जब असर दिखाती है दवा तो उन चीज़ों को भी ठीक कर देती है जिनके बरक्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। समझ गए बात जी? अब वक्त हो गया, अच्छा और कोई सवाल पूछना तो पूछ लें जल्दी से। आपने ये जो तीन दवाइयाँ बताई हैं, काली फास, अल्मीनी और सल्फर, ये तीनों 200 में? काली फास को 6x में देता हूँ मैं। अच्छा। सल्फर 200 में। अच्छा। और क्या लिखा है आपने? एल्यूमिना 200 में। या क्रॉनिक केस हो अगर इसका आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का तो 1000 में भी दी जा सकती है। हुजूर मुझे साथ नींद बहुत आती है। अच्छा जी, इस वक्त भी मतलब मुझे, मेरे ना वो नहीं रहती, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहती। उसके लिए आपको फिर फेरम फास खानी चाहिए काली फास के साथ। फेरम फास 6x में। जो दो अलामतें होती हैं किसमें? ज़ियाबीतस में। उसमें एक तो मुंह खुश्क होता है लेकिन प्यास ज्यादा लगती है और पेशाब ज्यादा आता है, तो उसमें जेलसीमियम से ताल्लुक लगता है उसका? जेलसीमियम तो नहीं फायदा दे सकती।
कहीं इत्तेफाक से हो, लेकिन जर्सीमियम उसकी दवा नहीं है, एपोसाइनम पॉसिबल है क्योंकि इसका जिगर से ताल्लुक है ना। मैंने बताया था कि वैसे तो ज्यादा इसका गुर्दे से ताल्लुक नजर आता है ना, जिगर से एपोसाइनम, एपिस का मैंने बताया था, गुर्दे से ज्यादा ताल्लुक है, तो इसका तिली से भी ताल्लुक है बहुत। एपोसाइनम पॉसिबल है, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की लेकिन मुमकिन है। अब आपने बताया जो इलामत का कॉम्प्लेक्स है वो शुगर से मिलता है, मैंने कहा आइंदा इस्तेमाल करके देखें शुगर के मरीजों को, ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।